फुल मस्ती हो रही है। ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी भाई साहब। तो हम निकल चुके हैं नरवर से। तो भाई साहब नरवर के किले घूम के बड़ा मज़ा आया, और आज का ब्लॉग हम जाने वाले हैं टपकेश्वर महादेव। तो चलते हैं। तो वेलकम टू हैवी टूरिस्ट, आपका स्वागत है नए फ्रेश ब्लॉग में। और नरवर के किले को घूमे थे पिछले ब्लॉग में हम, और इस ब्लॉग में हम घूमेंगे टपकेश्वर महादेव जो भी नरवर में है। हम निकल चुके हैं किले से, और ये हम दूसरे दिन आए हैं, नेक्स्ट डे आए हुए हैं। एक नया सफ़र है। ये देखिए नदी मलिका डैम से आई हुई है। भाई साहब क्या सीन है। तो ये देखिए नज़ारा यहाँ का बहुत ही शानदार। बकरियों के लिए खाना। तो ये नदी है जो मणिखेड़ा डैम से आई हुई है, और ये हरसी डैम की तरफ जाती है। आज हम देखते हैं इसको। पहले भी कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ रुके नहीं कभी। आज पहली बार यहाँ पर रुके हैं, तो सोचा चलो देखते हैं, चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जा आ जा, अच्छी जगह है। ये देखिए चट्टाने। भाई यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी नदी गई हुई है, काफ़ी पानी बह रहा है यहाँ पर, फुल मस्ती हो रही है। अरे कूद के दिखाओ तो, वो देखो वो दोनों लोग वो रास्ता यहाँ से पार कर गए, पता नहीं रोज के जाने वाले होंगे। तो यहाँ पर एक लोकल मिले हैं मुझे। कहाँ के हो आप? नया गांव। कौन से उसमें आता है? विश्वास प्रताना जिला सीधी मध्य प्रदेश। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। हाय हाय। कुछ लोग मिले हैं भाई, अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, और ये भी हमारे साथ में टपकेश्वर पे चल रहे हैं, और मजे लेते हैं। तो हाँ, मजा आने वाले इस वाली राइड में बहुत साथ ज्यादा। चलो भाई। हाँ, आज मौसम खुला है, और आज बिल्कुल धुंध भी नहीं है, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा यहाँ से। और ये देखिए यहाँ चारों तरफ सालों के पेड़ लगे हुए हैं, पहाड़ भी है सामने, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो अब चलते हैं, देर नहीं करते हैं, बाइक उठाते हैं और चलते हैं टपकेश्वर महादेव की तरफ। और यहाँ पर देखिए पथरीले पत्थर रखे हुए हैं। Thank you.
काफी अच्छी नदी थी ये। तो ये है टपकेश्वर के लिए, यहाँ से ये है रास्ता, कच्चा रास्ता ऑफ रोडिंग। भाई रास्ता तो गजब का है, भाई साहब ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल क्यूट बेबी फ्रेंडशिप ब्रो। हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव पर और अब सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। लगभग 300 सीढ़ियां हैं और यहाँ पर काफी बंदर है जो काफी उत्पात मचा रहा है यहाँ पर। तो अपना सामान यहाँ पर बचा के रखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सामान अपना जरूर बचा के रखिए यहाँ पर। ये देखिए ये दर्शक सभी घबराए हुए हैं, बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। और ये देखिए गाय कितनी ऊपर चढ़ के घास खा रही है। आए 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 बाय बाय कर लो बाय बाय। हाय बेटा, हाय कैसे हो? बाय तो ये 300 सीढ़ियाँ का सफ़र स्टार्ट होता है हमारा और अब चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। ओहो भाई को फुल सपोर्ट करना, ये रिक्वेस्ट है आपसे हमारी। बिल्कुल भाई, भाई सीढ़ियाँ आप काफ़ी चढ़ चुके हैं, ये देखो कितने ऊपर आ गए हैं। अभी तो काफ़ी लंबा है सफ़र, अभी लंबा सफ़र बाकी है। और भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। थक चुके हैं हम, पहुंच गए। अभी कहाँ, अभी तो और है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, सांस फूल रही है, काफी सीढ़ियां हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर ऊपर जाएंगे। और यहाँ से देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही शानदार व्यू है।
जा रहे हैं कुंड देखने के लिए। यहाँ पे बताते हैं कि पानी टपकता रहता है। ये देखिए गणेश कुंड, पानी टपकता रहता है। तो अब हम चलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। ये देखिए, ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर देखिए ऊपर पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है। और ये देखिए पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, आप क्लियरली सुन सकते हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है। और ये है गुरुद्वार ज्ञान मंदिर गुरु आश्रम, यहाँ पर आपको सभी प्राचीन गुरुदेव देखने को मिलेंगे। बाय बाय। और ये है नर नारायण मंदिर और जिसके अंदर आपको भगवान नारायण के 10वें अवतार देखने को मिलेंगे। चलते हैं दर्शन करते हैं भगवान नारायण के सारे अवतारों का। ये है पहला अवतार मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, मोहिनी अवतार, ऋषभदेव अवतार, यज्ञ अवतार, भगवान बुद्ध और कल्कि अवतार। तो ये थे भगवान के 10 अवतार। अब चलते हैं भैरवनाथ मंदिर में। ये हैं भगवान सूर्य नारायण। और यहाँ पर आपको माताओं के सभी रूपों का दर्शन करने को मिलेगा। ये देखिए, ये है प्राकृतिक सौंदर्य। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, वाह मज़ा आ गया देख के।
ये था हमारा आज का सफ़र टपकेश्वर महादेव मंदिर का। बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर आइए, यहाँ पर एक बहुत शांति का अनुभव होगा और बहुत अच्छे मंदिर हैं, सभी देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर हैं। काफ़ी एडवेंचरस भरा एरिया है, यहाँ पर लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़कर हम ऊपर आए हैं और ये पूरा एरिया हरा भरा है एकदम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और जगह पर, किसी और सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड जय हिंद।